पानी बड़ा ठीक है, घट पानी खुद ब खुद पानी आता है, कोई इंजन वगैरह नहीं है ये। हम लोग आए हैं शकरगढ़ गांव मसरूर में। यहाँ पर दो बातें ख़ास हैं, एक यहाँ पर बड़े भाई का मज़ार है और यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ से खुद ब खुद पानी ज़मीन से निकलता है। हमारे साथ इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये बग़ैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के या पीटर इंजन के या किसी डीजल इंजन के ये कैसे प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है। साहब ट्यूबवेल बगैर इंजन तो पानी दे रहा, इतने पानी वाफर है, ये डिलीवरी 5 इंच की है लेकिन फुल पानी आता सी, लेकिन पानी हम सू घट जरूरत है, इस बारे असं इतने प्लेट पा के इनू पानी घट कर दिता, इतों पानी घट किया, पानी घट तां किया कि साड़ियां फसल पहले ही पानी बहुत है, तो रोजाना पानी दिन रात चलता तो सारे पास असं नके खोले ने, इधर भी खोल दिता, उधर भी, उधर भी, उधर भी, तो पानी सारे एरिए पानी, देखो फसल किस तरह लहरा पे, बड़ी मुंजी हुई है इस बारी, तो पानी बड़ा जी, पानी नहीं मुक सकता, तो असं इस वास्ते मतलब घट कर दिता पानी, पर घट पानी निकले बाहर फसलों पहले ही पानी बहुत है। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि ये जो प्रेशर से पानी खुद ब खुद बाहर आ रहा है ये बाबा जी की करामत है जो के बड़े भाई के नाम से मशहूर है, यहाँ पर दरबार है, ये उनकी करामत है। और साइंस ये कहती है कि यहाँ पर एक वाटर स्ट्रीम है, एक लाइन है ऐसी पूरी दुनिया में, ये एक ऐसी स्ट्रीम लाइन है जिसमें पानी का प्रेशर बहुत तेज़ होता है और उसमें से ये पानी जो है ये बहुत प्रेशर के साथ, इतना प्रेशर उसका होता है कि वो खुद ब खुद बाहर आता है। चश्मों में भी एक यही तरीका है, उसमें भी प्रेशर होता है नीचे पानी का, इसलिए जगह जगह चश्मे बन जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर भी चश्मा निकल आता है, वो इस वजह से कि वहाँ उसके नीचे कोई ऐसी स्ट्रीम लाइन होती है जिसमें इतना प्रेशर होता है कि वहाँ से चश्मा खुद ब खुद निकल आता है। यहाँ पर भी ऐसी ही कोई बात है, एक तो यहाँ पर दरियाए रावी जो है वो बहुत नज़दीक है यहाँ से, ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर साथ ही रावी है, रावी क्रॉस करके साथ ही इंडिया है, इस दरिया की वजह से जो है ना वो इतना प्रेशर है पानी का, और ये दरिया के बिल्कुल करीब है गाँव, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि यहाँ की वो स्ट्रीम लाइन ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर तकरीबन कोई 15 से 20 ट्यूबवेल ऐसे इन्होंने बोर किए हुए हैं जिसमें से इतने प्रेशर से पानी निकलता है।